अस्सलाम वालेकुम, सिदा रिजवान हेयर। आज मैं आपको देसी पास्ता की रेसिपी दे रही हूँ। ये आपको पास्ता दिख रहा है, मैंने बॉईल करके रख लिया है। आपने क्या करना है, हाफ जग पानी लेना है और उसको जब बॉईल आ जाए उसमें नमक ऐड करें और 1 टेबल स्पून अपना ऑयल डालें, ठीक है। और उसके बाद बॉईल आने के बाद, ठीक है, फिर आपने इसमें डाल देना है ये पास्ता। इसको 5 to 7 मिनट्स आपने बॉईल करना है। जब सॉफ्ट हो जाए इसको आपने निथार लेना है। देखें स्ट्रेनर में मैंने किस तरह से निकाला है, इसको स्ट्रेन कर लिया है। एंड दी अदर साइड हमारी है वेजिटेबल जो मैंने शैलो फ्राई करके रखी है 2 से 3 मिनट। इसमें क्या है, हरी प्याज ली है मैंने, 2 से 3 है ये। थोड़े से हाफ कप जो है हमारी मटर है बॉईल करके रखे हुए हैं। और ये हमारी जो है बंद गोभी, बंद गोभी को भी मैंने शैलो फ्राई कर लिया है। और इसमें है गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, इसको भी मैंने शैलो फ्राई कर लिया सिर्फ 2 मिनट्स। और ये ऑप्शनल हैं, ये नगेट्स हैं, इसको फ्राई करके मैंने कटिंग करके रख लिया है, इट्स ऑप्शनल। फ्राई करें इसको, कटिंग करें और यहाँ रख लें। अगर आपको नहीं डालना इसमें आप नगेट्स नहीं डालें। अब उसके साथ ये देखिए मैंने लहसुन लिए 2 अदर, इसको चॉप करके रख लिया है। चिकन क्यूब्स लेने हैं हमने, 1 पैकेट ले लिया है। और ये चिकन है, 1/2 कप है हमारी। ये ऑयल लिया है मैंने, चाइनीज़ सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और एक क्रश चिली है, कुटी मिर्च, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें डालूंगी 4 to 5 टेबल स्पून सॉल्ट। अब इसमें गार्लिक डाल दें, इसको 2 मिनट्स फ्राई करना है। इसके बाद इसमें चिकन क्यूब ऐड करूंगी मैं एंड 1 पिंच सॉल्ट। ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि चिकन क्यूब में जो है सॉल्ट होता है। और 1 टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट, 2 टेबल स्पून छोटी लाल मिर्च और ये ब्लैक पेपर, किसी काली मिर्च। और उसके बाद इसमें ये देखिए मैं सोया डाल दी, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तकरीबन मैंने डाला है सोया इसमें 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं लिया मैंने। इसको अब 2 मिनट्स फ्राई करना है। अब इसके अंदर ये मैं डाल दूँगी चिकन, थोड़ी फ्लेम हाई करने के बाद इसको फ्राई करें। सिर्फ 1 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसमें 1/2 कप पानी डाल के मैं चिकन गला दूँगी। अब हमने एक पैन में मैक्रोनी सारे डालने हैं और 1 by 1 सारी सब्जियां इसमें ऐड करती जाएं। ये नगेट्स जो थे वो भी मैंने ऐड कर दिए। अभी हमारी चिकन जो है रेडी हो गई, मैंने भून लिया है इसको, कोई पानी का नामो निशान नहीं है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, देखिए सब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करें। ये देखिए गाइस हमारा पास्ता रेडी है, बहुत ही कलरफुल है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इफ़ यू लाइक इट माई वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।